राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महान नेताओं को दी श्रद्धांजलि, दोनों के योगदान को किया नमन। रामपुर तिराहा कांड की वर्दी आज 1994 में राज्य आंदोलनकारियों पर चली थी सत्ता की बंदूक, 6 आंदोलनकारी हुए थे शहीद, सीएम धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। वंदे मातरम, स्वागत है आपका, नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। आज रामपुर तिराहा कांड की बरसी है, सीएम धामी ने देहरादून स्थित शहीद स्थल में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि आज ही के दिन साल 1994 में यूपी सरकार ने मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर उत्तराखंडी राज्य आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई थी, जिसमें 6 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। सीएम ने शहीदों के सपनों का भारत बनाने की बात कही है। दो अक्टूबर जहां उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए मुजफ्फरनगर में एक ऐसा कांड हुआ जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, इतना क्रूरतम था। इस प्रकार से हमारी माताओं बहनों के साथ, हमारे नौजवान साथियों के साथ जो अलग राज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन सभी को भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके आंदोलन के कारण, उनकी शहादत के कारण हमको राज्य प्राप्त हुआ। सीएम धामी मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्थल भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य आंदोलन के दौर की विभीषिका को भी याद किया और शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। तो यूपी, आपको बताएं कि रामपुर तिराहा कांड की बरसी जो है वो आज हुआ, जहाँ पर मुजफ्फरनगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और जहां पर सीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, शहीदों के सपनों को लेकर प्रतिबद्ध है सरकार, ये बयान दिया है। और इस राज्य आंदोलन का आंदोलन में जो रामपुर तिराहा कांड में गोलीकांड हुआ था, उस गोलीकांड में रविंदर रावत जी, सत्येंद्र चौहान जी, गिरीश भद्री जी, राजेश लखेड़ा जी, सूर्यप्रकाश थपलियाल जी, अशोक कैसिव जी और राजेश नेगी जी, ये उनकी शहादत हुई। उनकी शहादत की बदौलत ही ये उत्तराखंड राज्य बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मैं आज इस अवसर पर उनको भी नमन करता हूँ। इसके साथ साथ जो 1 सितंबर 1994 को खटीमा का गोलीकांड हुआ, जहां मैं भी पला बड़ा, जहां से आया, मैंने स्वयं 1 सितंबर 1994 के उस गोलीकांड को, उस आंदोलन को देखा। कितनी बर्बरतापूर्वक पुलिस ने लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, किस तरह से अपने पैरों के नीचे आंदोलन करने वालों को कुचल दिया गया, वो बहुत ही दर्दनाक दृश्य था और उसको हमने अपनी आँखों के सामने देखा। हजारों हजार आंदोलनकारियों पर जिस प्रकार से गोलियां और लाठियां चलाई गई, उसकी परिणति हुई कि अगले दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी में गोलीकांड हुआ और उसके ठीक एक माह बाद दिल्ली जा रहे निहत्थे आंदोलनकारियों पर, हमारे भाइयों पर, बहनों पर, इसी जगह पर, ये मुजफ्फरनगर की धरती पर, उस समय की तत्कालीन सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार और केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार, जो मौन होकर ये सब देखती रही, उनके मुंह से एक शब्द भी उस समय नहीं निकला। भाइयों बहनों, मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के अंदर तो हमने, जहां उत्तराखंड की जनता ने लगातार हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया, 23 साल उत्तराखंड राज्य स्थापना के हो गए और हर बार उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी चलती थी, एक मिथक चलता था कि चुनाव होता था, एक बार एक पार्टी की सरकार बन जाती थी और दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती। पहली बार उत्तराखंड की जनता ने इस मिथक को तोड़ने का काम किया और उत्तराखंड के अंदर लगातार हमको सेवा करने का अवसर दिया, क्योंकि हम शुरू से राज्य के आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाना चाहते थे। हमारे शहीदों के अपेक्षाओं के अनुरूप
उत्तराखंड राज्य को चलाना चाहते थे, उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, और उसी सोच का परिणाम था जिसके बारे में आदरणीय अजय भट्ट जी ने कहा कि हमारे उस समय के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको उत्तराखंड राज्य दिया। उत्तराखंड राज्य की मांग को अगर किसी ने पुरजोर समर्थन किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो रामपुर तिराहा कांड की बरसी आज है, और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जो है महिला राज्य आंदोलनकारी शांति प्रसाद भट्ट जी जुड़ गई। शांति जी, आपका स्वागत मैं करूंगी। और क्योंकि आज कई साल हो चुके हैं, आप लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया उत्तराखंड को बनाने के लिए, और आज जो है इस रामपुर तिराहा कांड की बरसी, पहले तो आपका छोटा सा कॉमेंट, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए लता जी, 29 वर्ष हो चुके हैं, और इन 29 वर्षों में जो सपने लेकर उत्तराखंड का जनमानस चला था उसमें एक मात्र बढ़ोतरी नहीं हुई। जहां से चले थे आज 29 वर्ष बाद आज भी वहीं खड़े हैं। आंदोलनकारियों के हत्यारे, चाहे वो बुआ सिंह हो, अनंत कुमार हो, तमाम इंस्पेक्टर से लेकर एसएसपी, किसी पे कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। राज्य आंदोलनकारी इकट्ठे होकर अपनी जेब से आजकल मुजफ्फरनगर में केस की पैरवी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बेईमानों पर कार्रवाई होगी, राज्य आंदोलनकारियों को न्याय मिलेगा। अभी मैं मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था, कितने दुर्भाग्य की बात है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों ने यूसीसी के लिए राज्य मांगा था? उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों ने क्या विधानसभा भर्ती घोटाले के लिए राज्य मांगा था? उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों ने क्या उत्तराखंड की संपदा को बाहर वालों को बेचने के लिए राज्य मांगा था? ये कैसा मजाक मुख्यमंत्री जो है शहीद स्थल पर जाकर कर रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि खटीमा जो गोली कांड हुआ उसमें तात्कालिक सरकार का बहुत बड़ा हाथ था, ऐसे ही मसूरी बाटाघाट में भी गोली चली उसमें भी सरकार का हाथ था। उत्तर प्रदेश की सरकार हमें कुचल रही थी, हमारे सपनों को कुचल रही थी, हमारे आंदोलनों को कुचल रही थी। इससे ज्यादा बड़ा अपराध इन्होंने किया है कि मानवता का जो दिन है, अहिंसा के पुजारी गांधी जी के 2 अक्टूबर के दिन, लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के दिन इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करते हुए, भारतीय लोकतंत्र में लता जी ये पहली बार मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि हम दिल्ली सरकार मोनी बाबा से मिलने जा रहे थे अपने बुनियादी सवालों को लेकर, और गोलीकांड कर दिया लखनऊ ने जी। आप समझ सकते हो, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार जितनी दोषी है उससे बड़ी दोषी केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार थी, जो नहीं चाहती थी कि उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी दिल्ली पहुंचे, क्योंकि इनकी सरकार गठबंधन की थी उत्तर प्रदेश में, तो इन्होंने सरकार गिराने की धमकी दी और सरकार बचाने के चक्कर में निहत्ते पहाड़ियों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला दी, मां बहनों के साथ बलात्कार किया। शांति जी, वाकई दुर्भाग्य जरूर है कि जिस तरीके से जो आंदोलन आप लोगों ने किया, संघर्ष किया, उसका जो परिणाम है आपको लग रहा है कि ये संतुष्ट पूर्वक रही है, लेकिन हम इसको भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे, जो नए आयाम उत्तराखंड को मिले हैं ये भी कहीं ना कहीं जो है सराहनीय है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका शांति जी समय देने के लिए, और यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्पा सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद सीएम धामी गांधी पार्क पहुंचे, इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं धामी ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के सपनों को साकार सरकार कर रही है। और विदेशों से
2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और उनके बताए हुए मार्गों पर हम सब चलें, उनसे प्रेरणा लेकर कहीं ना कहीं देश और समाज के हित में सभी को आगे बढ़ना होगा, सभी को काम करना होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बापू के सपनों को पूरा करने के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए उन्होंने देश के अंदर अनेकों अभियान प्रारंभ किए हैं, उन अभियानों को गति मिल रही है। लाल बहादुर शास्त्री ने जिन किसानों और जवानों की बात की थी उसमें अनुसंधान और विज्ञान जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो भी आगे बढ़ रहा है। पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है। इसी क्रम में अल्मोड़ा में कलेक्ट्रेट समेत जिले के सभी कार्यालयों में दोनों महापुरुषों की जयंती धूमधाम से मनाई गई। सुबह नगर क्षेत्र के स्कूली बच्चों ने नंदा देवी मंदिर प्रांगण से चौखान पाटा गांधी पार्क तक प्रभात फेरी निकाली। गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर दोनों विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही महात्मा गांधी के भजन गाए गए। इस अवसर पर डे केयर संस्था की ओर से वरिष्ठ नागरिक दिवस कार्यक्रम भी मनाया गया। आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम स्थानों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जा रही है। उसके साथ ही साथ हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जा रही है और इन दोनों महापुरुषों का हमारे देश के विकास में कहिए या हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में इन सब का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये हर वर्ष जो है वैसे अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस जो है वह 1 तारीख को हर 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन हमारे अल्मोड़ा में क्योंकि अल्मोड़ा के जब डे केयर की संस्था की स्थापना आज से 35 वर्ष पूर्व हुई थी तो उस समय ये निर्णय किया लिया गया था कि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन और एवं लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिवस है तो उनके जन्मदिवस को भी को मनाते हुए यह दिवस यहाँ पर मनाया जाएगा। इसी कारण जो है प्रतिवर्ष अल्मोड़ा में ये 2 अक्टूबर को ये अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस हम लोग यहाँ पर मनाते हैं। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गांधी जयंती के अवसर पर थराली में भी कई विद्यालयों के स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर गांधी जी को याद किया। प्रभात फेरी में थराली से बीजेपी विधायक भोपाल राम टमटा समेत उपजिलाधिकारी रविंद्र जुवाठा, तहसीलदार प्रदीप नेगी और अधिकारी शामिल हुए हैं। थराली में गांधी जयंती पर बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली है। प्रभात फेरी निकालकर बापू को नमन किया। विधायक भोपाल राम टमटा समेत कई अधिकारी इस दौरान शामिल रहे। वहीं बागेश्वर में यूथ कांग्रेस और NSUI ने जिला अस्पताल में मरीज को फूल वितरण कर मरीजों का हाल जाना। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोकुल परिहार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरण किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल की छत पर निर्माणाधीन कार्य चल रहा है लेकिन संबंधित विभाग द्वारा उसे अधूरा छोड़ा गया, जिससे कि अस्पताल के कमरों में पानी टपक रहा है, जिससे कि कमरों में करंट फैल रहा है। उन्होंने कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका जताते हुए जल्द अस्पताल प्रशासन से इस अधूरे काम को पूरा कराने की मांग की है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज यूथ कांग्रेस और NSUI द्वारा बागेश्वर के जिला अस्पताल में फल वितरण किया गया और तत्पश्चात मरीजों का यहां पर हालचाल जाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा दुख होता है, हमारे ज़िले में एक हॉस्पिटल है जो मेन हॉस्पिटल और हॉस्पिटल की ऐसी स्थिति है आप यकीन नहीं मानोगे कि आज हमारे गांव घरों में गाय भैंसों को ऐसे नहीं रखते हैं जैसे यहाँ इन लोगों ने मरीजों को रखा है। आज हमारे द्वारा
यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में NSUI व यूथ कांग्रेस के द्वारा आज जो 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती पर वो लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर फल वितरण का कार्य किया गया और यहाँ के जो मरीज हैं उनका हालचाल जाना गया। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में इन दिनों मौसम साफ होते ही तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। सोनप्रयाग एवं सीतापुर स्थित पार्किंग वाहनों से खचाखच भर चुकी है। सोनप्रयाग से प्रातः 5 बजे के बाद श्रद्धालुओं को धाम के लिए रवाना किया जा रहा है। धाम में तीर्थयात्रियों की लाइन मंदिर प्रांगण से गोल चबूतरे तक देखी जा सकती है। विगत 2-3 अवकाश होने का असर पहाड़ों में देखा जा रहा है। राजमार्ग पर जाम की स्थितियां बनी हुई है। तो केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौसम खुशनुमा होते ही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। श्रद्धालुओं से गुलजार होने लगे हैं यात्रा के पड़ाव, जहां पर राजमार्ग पर जाम की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। रात को 12 बजे से लाइन में खड़े हैं, कोई जाने नहीं देते, धक्का मुक्की करते, लाइन आगे बढ़ नहीं रही है और इधर VIP लाइन भी बंद है। समझ में नहीं आ रहा, पुलिस डंडे मारी कर रहा है और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। किसी को भी बोल रहे हैं तो वे लाइन में लग जाओ, लाइन में भी खड़े हैं लेकिन लाइन चल नहीं रही है। पता नहीं, हम गुजरात अहमदाबाद से आए हुए हैं। गांधी जयंती के मौके पर उत्तरकाशी के विकास भवन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विकास अधिकारी रमेश चंद्र ने बापू और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र का अनावरण किया और श्रद्धांजलि दी। उन्होंने दोनों महान नेताओं के योगदान को याद किया है। और यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।